माओवादी को औषध जोगाउछि किए? माओ शिविर में केमिति ठाब हला एते परिमाणर औषध? बीजापुर रे महिला स्वास्थ्यकर्मी को अपहरण करने पछरे उद्देश्य थिला कि औषध? छत्तीसगढ़ सीमांत गिदाम जंगल भितर डीआरजी पक्षर माओ शिविर में चढ़ाऊ होगा पर अनेक प्रश्न कुहुलुछि। कुंबिंग रे माओ शिविर एते परिमाणर औषध मिलिला हेले माओवादी औषध आनिले केउठु? जदि किछि दिन पूर्वर कथा को चिंता करा जाए ताहाले स्पष्ट हेउछि चित्र। छत्तीसगढ़ बीजापुर रे 15 ରୁ 20 सशस्त्र माओवादी आसी 3 जण महिला स्वास्थ्यकर्मी को अपहरण कर तेबे माओवादी माने स्वास्थ्यकर्मी मानक अपहरण करी एभली ढंगरे निज पई औषध संग्रह करुछंती एकथा तो प्रमाणित होईछि। थरे नजर पकांतु माओ शिविर उद्धार होइथिबा सामग्री उपरे जेउठु अधिकांश मेडिकल बा औषध सामग्री रहिछि। ये साधारण बीमारी ज़्यादातर पीएचसी और सीएचसी से ली हुई दवाइयाँ नज़र आ रही हैं। अभी इनको और स्टडी किया जाएगा। सभी दवाइयाँ नई हैं, इसका मतलब है कि नक्सली लगातार सरकारी दवाइयों की खेप जो है रिन्यू करते रहते हैं। सीएचसी की मदद से ये भी पता लगाया जाएगा कि दवाइयाँ इनके पास कहाँ से पहुँची हैं। धनुष बाण, तीर, हथियार सब चीज़ें रिकवर हुई हैं। इससे भी पार्टी वापस ही आई है। इस पर पूरी जाँच भी की जाएगी। बीजापुर एनकाउंटर परे नाटकीय ढंगरे माओवादी माने स्वास्थ्यकर्मी को अपहरण करने घटना रे गोटे कथा तो स्पष्ट जे बीजापुर एनकाउंटर रे अनेक माओवादी आहत होइछंती एवं निज साथी को बंचाइबा पई व्यस्त विव्रत होइछंती माओवादी। सीआरपीएफ डीजी कहिबा कथा सत प्रमाणित होइछि जे बीजापुर एनकाउंटर रे 30 ରୁ 40 माओवादी मृत्यु होइतिबा बेले अनेक आहत होइथिले। ग्राम संगठन डीकेएमएस सीएनएम काम करता है। कहीं ना कहीं ये हेल्थ कर्मी के ऊपर भी दबाव डालते हैं और क्योंकि इतना दबाव एक आदमी के नाम पे नहीं दिया जा सकता। निश्चित रूप से ये लूटा गया है। कल भी सूचना आई थी बीजापुर से 3 हेल्थ कर्मियों को किडनैप कर लिया गया था। कहीं ना कहीं लॉकडाउन में नक्सलियों का ये सप्लाई चेन भी चोक हो रहा है, इसीलिए वो अब दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी डरा धमका के लूटपाट कर रहे हैं। माओ दमनर रणनीति आहुरी सशक्त हेले निर्भय व शांतिपूर्ण भाव में जीवन यापन करिपारिबे उपांत इलाकार जनता। मालकानगिरी विक्रम स्वयं रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।